हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया है। सेकंड पार्ट में हम ये आप इनके बालों पे वैसी देखो, आप सेक्शन बाय सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन हम इनके पॉइंट बांधेंगे। ये वीडियो हमने दो पार्ट, और एक पार्ट इसका और आगे आएगा, वो थोड़ा शॉर्ट पार्ट है। हमने इसे तीन पार्ट में कन्वर्ट कराया ताकि आप लोगों को आसानी रहे और बहुत लंबी वीडियो देखने में बोरिंग ना हो, इसलिए हमने इसे तीन पार्ट में डिवाइड करा। अब हम इनके बॉक्स सेक्शन पे आ गए। देखो, बॉक्स सेक्शन पे सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि सेक्शन बहुत नीट होना चाहिए। सेक्शन बहुत नीट होगा तो आपकी हाइलाइट्स और आपकी हेयर कलर की विजिबिलिटी और आपकी हेयर कलर की नीटनेस उतनी दिखेगी। और बॉक्स सेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसे बहुत ही आप गौर से देखिए। हल्के हल्के सेक्शन बाय सेक्शन हम इनके बालों पे ब्लीच 20 वॉल्यूम से लगा रहे हैं। आप देखिए, इनके हम ऊपर के डार्कर पार्ट पे ही कलर लगाएंगे। डार्कर पार्ट लगा के नीचे के बाल हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो पहले से ही, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, वो पहले से ही वीक है। तो हमने इनके अब टॉप सेक्शन के लास्ट सेक्शन पे हमने फॉलो बाय सेक्शन बाय सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन हमने ब्लीच अप्लाई करा है। अब हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि हमने इनके बालों को देखा कि हमें जितना कलर लेवल लिफ्ट चाहिए था 8 नंबर तक, वो आ गया है। तो अब हमने क्या करा, जो नीचे के बाल हमने इनके छोड़े थे तो उसको हमने चेक करा। चेक करने के बाद हमने इनके बालों पे 10 वॉल्यूम से ब्लॉन्ड फिक्स हमने इनके लास्ट के हेयर, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से ब्लीच थे और बहुत ही वीक थे, उस पे लगाया। और उसके बाद हमने देखा कि वो 10 से 10, 7 8 10 मिनट के बाद वो कलर आ गया, और जिस पे कलर आ रहा है हम उसे बालों को स्प्रे बॉटल, जिसमें पानी भरते हैं, स्प्रे बॉटल, वाटर हेयर स्प्रे बॉटल से हम इसे स्प्रे करके वेट टॉवल के साथ हम इसे निकाल रहे हैं, ताकि बाल हमारा ब्लीच वाला ड्राई डैमेज ना हो। अभी देखो, हमने इनके बालों पे लगा दिया है, कुछ पे से हम निकाल रहे हैं, कुछ पे हम लगा रहे हैं, काम बहुत टेक्निकली है। ये ब्लॉन्ड फिक्स 10 वॉल्यूम से हमने बनाया है कलर, और ये अब इनके बालों की लेंथ पे लगा रहे हैं हम, जो कि हमने पहले नहीं लगाया था, अब उस पे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि पहले जिस पे हमने कलर लगाया था वो ऑलरेडी आ गया था, तो उस पे लगाया तो वो ऑलरेडी जल्दी आ गया, तो हमें उसे स्प्रे करके रोकना पड़ा ताकि बाल ज्यादा लाइट ना हो और बालों की स्ट्रेंथनिंग बनी रहे। दोस्तों, जो ब्लीच का काम है ना, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। आपकी थोड़ी सी गलती और क्लाइंट के बाल डैमेज, इसलिए आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। अभी हमने फॉइल खोला, अब इनके बालों पर हमने नीचे कलर लगाया था उस पर देखा कि हमें कलर आ गया है, तो अब उस पर कलर आ गया है, तो अब हम उसे देखो वेट टॉवल के साथ रिमूव कर रहे हैं, और स्प्रे बॉटल से स्प्रे करा, अच्छे से स्प्रे करके इसे वेट टॉवल से हम इसे साफ करेंगे, और इसके बाद इसे हम इसे सेपरेट फॉइल पेपर पे दोबारा बांध देंगे, क्योंकि हमें ये इसे इस कलर को सेपरेट ही रखना है। ये हमने इसे सेपरेट कर दिया। ऐसे ही हम सारे बालों को चेक करेंगे और निकालेंगे। देखो, ये हमने तो लॉन्ग वीडियो बनाई इसलिए कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि बालों के को डैमेजेस ना हो, तो ये थोड़ा टेक्निकली रहता है, तो इसको आप अच्छे से वॉच करिए और देखिए, क्योंकि ऐसी जॉब करने में ना काफी टाइम लग जाता है दोस्तों, और इसलिए हमें भी हो गया है टाइम करते करते, तो अब हम भी एक्सपीरियंस हो गए। तो हम भी देखो, अब इसको हमने स्प्रे करा है और अब हमने चेक करा, नीचे के बाल भी आ गया है, ब्लॉन्ड हो गया है, ऊपर के बालों से मैच कर गया, और उसका जो येलोपन और डार्क, थोड़ा सा जो कहते हैं इसे डार्क कस्ट हो जाता है, फील हो के येलो पार्ट को, जैसे बार बार बालों पे ओल्ड हो जाता है, मतलब ओल्ड हेयर का जो कलर था उसको थोड़ा सा फ्रेश अप करा है, ताकि उसका
वो मैलापन, बालों का जो मैलापन है वो निकल जाए और फ्रेशअप हो जाए, और ताकि जब हम बालों पे कलर करें तो उस पे, और उसकी जब टोनिंग करें तो एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टोनिंग आए। इसलिए हम इनके बालों पे इतनी मेहनत से जॉब कर रहे हैं। अब हमने इनके रूट्स पे हमारा काम वो उसका पूरा हो गया, तो हमने इसके बालों जो रूट्स पे 6.3 और 5 मिक्स विथ 20 वॉल्यूम, 6.34 और 5 नंबर हमने मिलाया है 20 वॉल्यूम। कलर शेड है लॉरियल का मैजियरल, लॉरियल 6.34 कलर का नाम है डार्क ब्लॉन्ड गोल्डन एंड कॉपर रिफ्लेक्ट। ये इन क्लाइंट्स को थोड़ा अनी एंड कॉपरिश टोन में जाना है, तो हमने इनको उसी तरीके से करा। अब ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन हमने इनके सारे रूट्स पे ये कलर अप्लाई करा। देखो फ्रेंड्स, जो हमने इनके बालों पे अगर वो ब्लीच लगा रहता और हम उस काम को पूरा नहीं करते, अरे फ्रेंड्स ये देखो 6.34 और 5, 6.34 सॉरी 6.34, 6.34 मिक्स करा हमने 20 वॉल्यूम से, और ये हमने इनके जो लेंथ पे बाल छोड़े हुए हैं उस पे लगाना अप्लाई करा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा था जो हमने इनके बालों पे ब्लीच वाला काम करा वो करना पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर हम उसको लेट करते और हम कलर पहले अप्लाई कर देते तो उनका जो ब्लीच वाला बाल था वो सारा बर्न कर जाता, डैमेजेस कर जाता, तो हमें पहले उस पार्ट को जाना बताना बचाना जरूरी था, सॉरी बचाना जरूरी था। इसलिए हमने इनके बालों पे पहले ब्लीच वाला काम करा, फिर हमने अब इनके बालों पे फुल ऐसी सेक्शन बाय सेक्शन लगे कलर लगा दिया है, और इनको अब 30 मिनट्स का वेट कराएंगे ताकि कलर जो रूट्स में लगा है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए और चढ़ जाए बालों पे। और फिर उसके बाद हम इन्हें शैम्पू चेयर पे ले जाएंगे, शैम्पू करेंगे, और जो अगला पार्ट हमारा आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि इनका फाइनल रिजल्ट क्या था। तो आप उस बने रहे हमारे वीडियो में, और ऐसे ही हमें लाइक एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।